NIOS के शिक्षार्थियों, मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना, अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष शिक्षा स्कूल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन पर। अगर हम विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्यालय और प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन को समझने से पहले हमें विद्यालय और प्रबंधन को अलग अलग समझना पड़ेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थी अपने घर से दूर जाकर एक निश्चित स्थान पर कुशल अध्यापकों के निर्देशन में सामूहिक रूप से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यालय नामक संस्था को प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आप कोई भी कार्य करें, उसमें प्रबंधन के बिना वो कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है। इसी प्रकार बिना प्रबंधन के विद्यालय का संचालन असंभव कार्य है। अब अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन शब्द का अर्थ है व्यवस्था करना। व्यवसाय एवं शैक्षिक संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। विद्यालय प्रबंधन वह शक्ति है जो भौतिक, मानवीय, वित्तीय एवं सैद्धांतिक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में शैक्षिक संगठन को अग्रसर करता है। अगर हम बात करें भौतिक प्रबंधन तत्वों के प्रबंधन के विषय में, तो हम देखते हैं कि जितना भी भौतिक है विश्वविद्यालयों का, वहाँ पर जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उन सब का प्रबंधन करना होता है। क्योंकि अगर हम भौतिक तत्वों का प्रबंधन प्रॉपर रूप से, सही तरीके से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों से भटक जाएंगे। इसलिए विद्यालय प्रबंधन को भौतिक तत्वों का प्रबंधन भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से मानवीय तत्वों के प्रबंधन की बात आती है। मानवीय प्रबंधन को तत्वों का प्रबंधन करने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं और उसके अलावा जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है, उन सबको पूर्ण करना भी प्रबंधन का एक कार्य है। इसी प्रकार वित्त का प्रबंधन की बात आती है। वित्त का प्रबंधन करना है हमें, तो हमें सरकार के साथ भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और साथ के साथ हमें जो, अगर हम गैर सरकारी संस्था हैं तो हमें कई और स्रोतों से वित्त का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसी तरीके से सिद्धांतों के प्रबंधन की बात आती है कि विद्यालय प्रबंधन को सिद्धांतों का भी प्रबंध करना पड़ता है। विद्यालय प्रबंधन वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामूहिक प्रयासों की सहायता से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है तथा इसमें नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय तथा नियंत्रण आदि कार्य सम्मिलित हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अन्य लोगों के सहयोग और समन्वय का वातावरण बनाते हुए शिक्षण संस्थान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्रियाओं और गतिविधियों का संगठन एवं संचालन करता है। अगर हम विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें तो यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह समय, परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। समय, परिस्थितियों और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विकास की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भी रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके हमें कुछ उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं, और विद्यालय प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो वो जो भी हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ण होने के बावजूद भी वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को वास्तविक स्थितियों में स्थापित करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहती है। विद्यालय प्रबंधन संगठित ढांचे को सव्यवस्थित करने के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। यह प्रक्रिया उद्देश्यों पर केंद्रित होती है। उद्देश्यों के आधार पर ही उच्च अधिकारियों और प्रबंध समिति द्वारा
योजना, संगठन, अभिप्रेरणा, निर्देशन एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जाता है। यह सभी देशों और उनकी संस्कृतियों की विभिन्न परिस्थितियों में समान रूप से देखी जा सकती है। प्रशासन की योग्यता की अगर हम बात करें तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल में शिक्षा से संबंधित सभी संसाधनों सहित क्रियाओं और गतिविधियों को प्रशासित किया जाता है ताकि प्रस्तावित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन अमूर्त रूप से विकास के लिए आवश्यक विचारधाराओं को प्रोत्साहित करते हुए अधिगम संबंधित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। इनके आधार पर प्राप्त परिणामों से ही एक कुशल विद्यालय प्रबंधन का पता चलता है। यह एक अंतर्विषयक उपागम पर आधारित है। विद्यालय प्रबंधन ज्ञान की नवीन शाखा के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इसके सिद्धांत और अवधारणाएं व्यावसायिक प्रबंध और मनोविज्ञान से ग्रहण किए गए हैं। इस तरह यह सभी विषयों के बीच अंतर की प्रक्रिया को दर्शाता है। अधिकार सत्ता प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो प्रबंधक ही किसी शैक्षिक संस्था में कार्य निष्पादन हेतु आदेश निर्देश देते हैं, नियम विनियम बनाते हैं तथा कार्य प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि अगर प्रबंधक इस तरीके के कार्य नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो हमारे उद्देश्य, जिन उद्देश्यों से संस्था का हमने निर्माण किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव नहीं होगा। प्रबंधन द्वारा शिक्षा में अव्यय को रोका जाता है। इसमें विद्यालय प्रबंधन द्वारा शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा में अव्यय को रोकना चाहिए, जिसके लिए विद्यार्थियों को स्कूल और शिक्षा से जोड़कर रखना अति आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन के उच्च अधिकारियों और प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों की गतिविधियों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि उच्च अधिकारी और प्रधानाचार्य शिक्षकों और कर्मचारियों और विद्यार्थियों की अगर क्रियाओं का या गतिविधियों का निरीक्षण नहीं करेंगे तो वो अपने पद से हट सकते हैं और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इसलिए बहुत आवश्यक है कि इनका निरीक्षण और पर्यवेक्षण विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय समय पर किया जाना चाहिए। नवीन लक्ष्यों, नवाचार का निर्धारण करना। प्रबंधन द्वारा स्कूल और विद्यार्थियों के विकास के लिए देश के तकनीकी विकास के आधार पर नवीन तथ्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करना। देश में समय समय पर शिक्षा की नीतियों में सुधार एवं परिवर्तन होता रहता है, जो शिक्षा के साथ साथ समाज को व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस तरह समय समय पर परिवर्तित होती शिक्षा नीतियों के आधार पर स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जाना चाहिए। नीति निर्माण करना। शिक्षा और विद्यालय के क्षेत्र में नीति बनाना ताकि उन नीतियों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया जा सके। संगठन में सामंजस्य स्थापित करना। प्रबंधन को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य आवश्यक रूप से स्थापित करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रबंधन विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं जैसा कि विद्यालयों में कई शिक्षक आपस में उनके कुछ अपने पर्सनल जो गर्जेज होते हैं उनके कारण से वो अच्छे तरीके से आपस में सामंजस्य उनका नहीं होता है। और यदि ये सामंजस्य प्रॉपर नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा, उचित रूप से नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि जो भी वो कार्य करने जाएंगे तो निश्चित रूप से उस कार्य की जो संपूर्णता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो संपूर्णता को प्राप्त करें। क्योंकि ये सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है, सामंजस्य के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो। यदि सामंजस्य नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से अपने टीम भावना से कार्य नहीं करेंगे, और जब टीम भावना से कार्य नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति किस तरफ काम करेगा, कोई व्यक्ति किस तरफ काम करेगा। इतनी ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो सभी के बीच में जो भी उसके अंग हैं उन सभी के बीच में एक सामंजस्य आवश्यक रूप से स्थापित करे। उचित व्यवस्था के लिए नियमों का निर्धारण करना। कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, प्रशिक्षण और उनके व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए नियमों को गठित करना तथा उनके पालन की व्यवस्था करना भी विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर हमें संगठन अपना चलाना है, कोई भी कार्य हमें करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमें ज़रूरत है
एक बेहतर प्रबंधन की, और बेहतर प्रबंधन का ये मेन मुख्य कार्य है कि वो जब कर्मचारियों की नियुक्ति करे तो उसके लिए उसके पास नियम होने चाहिए, किस तरीके से वो नियुक्ति करने जा रहा है, क्या उनकी सेवा शर्तें होंगी, किस तरीके से उनको किन सेवा शर्तों के तहत कार्य करना होगा। उनको सेवा शर्तों के साथ साथ उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनके लिए किस तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ की जाएँ, क्योंकि यदि उनको समय समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो उनका जो भी ज्ञान है, जो भी उनके कौशल हैं, वो समय के साथ साथ पुराने होते जाएंगे। और आज जैसा कि समय है कि आज हम बहुत तेज़ी से 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे व्यावसायिक कौशल हैं, उनको निश्चित रूप से हम बिल्कुल उनको शार्पन करते जाएँ, उनको हम आगे बढ़ाते जाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ हमें पहले से पूर्व में ही ये सारी चीज़ों का निर्धारण करना पड़ेगा, और जो हम नियम बना देंगे वो नियमों का पालन कराने की व्यवस्था करना भी विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की वित्त की व्यवस्था करना भी विद्यालय प्रबंधन का एक मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यदि विद्यालय को सुचारू रूप से हमें चलाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि धन के बिना किसी भी कार्य को पूर्ण करना संभव नहीं है। और इसके लिए प्रधानाचार्य और उच्च अधिकारी, जो संस्थान के उच्च अधिकारी हैं, वो यदि सरकारी स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, तो उन्हें सरकार के सहयोग से वित्त की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और यदि वो गैर सरकारी विद्यालय है तो उसके लिए उसे समाज से, उसे इंडस्ट्रियलिस्ट से, उसे फिलंथ्रोपिस्ट के साथ मिलकर व्यवस्था वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे ढंग से विद्यालय को सुचारू रूप से चलाते रहें। अब अगर हम बात करें कि विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति की, यदि हम प्रबंधन की प्रकृति की बात करते हैं तो विद्यालय प्रबंधन एक कला है और साथ साथ ये एक विज्ञान भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कला में क्या होता है, कला में हम इसे किसी भी कार्य को करने के लिए अपने ढंग से उस कार्य को करते हैं, जबकि अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में ये देखा जाता है कि विज्ञान के अपने कुछ नियम हैं और उन नियमों के आधार पर ही हमें कार्य करना होता है। इसी प्रकार प्रबंधन के भी अपने कुछ नियम हैं, जिन नियमों के आधार पर उस कार्य को संपादित किया जाता है। तो हम बात करते हैं प्रबंधन एक कला है, और क्यों कला है ये, अगर हम इसकी बात करें तो एक सफल प्रबंधक प्रबंधन कला को दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन और अनुभव पर आधारित होती है, क्योंकि जब वो प्रबंधन के बारे में पढ़ता है तो उसे अपने जो अध्ययन से पता रखता है, वो कुछ अवलोकन समाज में अवलोकन करता है, अपने इर्द गिर्द अवलोकन करता है, उनके आधार पर वो अपने प्रबंध को अपग्रेड करता है, और साथ साथ वो अनुभव के आधार पर भी उन चीज़ों को कार्य करता है। प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। ये क्षेत्र हैं विपणन, वित्त एवं मानव संसाधन, जिनसे प्रबंधन को विशिष्टता प्राप्त होती है। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, पहल, क्षमता आदि को मिलाकर कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को करने के लिए और उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति से कराने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका व्यवहार बेहतर हो। तो अच्छे प्रबंधक का व्यवहार यदि बेहतर होगा तो वो बेहतर तरीके से कार्य करा सकेगा। वही बात रचनात्मकता की आती है कि किसी भी कार्य को कई लोग मिलकर अगर कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, विभिन्न प्रकारों से उस कार्य को करते हैं, तो जिसमें जितनी ज़्यादा बेहतर रचनात्मकता होगी वो उतनी बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेगा। ऐसे ही कल्पना शक्ति की बात करते हैं, जितना अधिक हम सोच सकेंगे, जितना किसी कार्य को करने के लिए कितने कौन कौन से तरीके होते हैं, ये जितना बेहतर तरीके हम सोच सकेंगे उतना बेहतर तरीके से हम उसको कर पाएंगे। यही कुछ बात पहल करने की क्षमता है, इनिशिएट करने की क्षमता की बात करते हैं कि अगर हमें कोई कार्य करना है तो वहाँ पर हमें कौन पहले कर लेता है, कौन पहले सोच लेता है, कौन पहले कर सकता है। एक अच्छे प्रबंधक के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर किसी भी कार्य को पहले करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। एक प्रबंधक एक लंबे अभ्यास के पश्चात संपूर्णता को प्राप्त करता है। प्रबंध के विद्यार्थी भी अपनी सृजनात्मकता के आधार पर इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से प्रयुक्त करते हैं। एक प्रबंधन में प्रबंधक प्राप्त ज्ञान का परिस्थितिजन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार एवं दक्षता अनुसार प्रयोग करता है। तथा हम जानते हैं कि प्रबंधन में जिस व्यक्ति ने पढ़ाई की है, जिस व्यक्ति को अनुभव है प्रबंधन का, वो अपने ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में के आधार पर, उनको व्यक्ति के आधार पर और उसकी दक्षता के अनुसार उपयोग करता है। किस व्यक्ति से किस तरीके से कौन सा कार्य कराना है, ये प्रबंधक से बेहतर कोई नहीं जानता है। और अगर प्रबंधक इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानता है तो वो निश्चित रूप से एक बेहतर प्रबंधक हो सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, और उन लोगों से किस तरीके से कार्य को करवाना है वो प्रबंधक का एक मुख्य कार्य है, और वो बेहतर तरीके से उसको जानता है।
वह संगठन की गतिविधियों में लिप्त रहता है, विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करता है एवं अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। क्योंकि जो प्रबंधक है वो संगठन के जो भी कार्य कर रहा है, जो भी विद्यालय संगठन है उसके जो भी कार्य कर रहता है उसका वो मुख्य भाग होता है। वो जो भी परिस्थितियाँ उसके सामने आ रही हैं उनको अध्ययन करता है, उनको समझता है और क्या स्थितियाँ हैं उनको जानता है, देखता है और फिर उन परिस्थितियों को पूर्ण करने के लिए अपने कुछ सिद्धांतों का निर्माण करता है और उन सिद्धांतों को दी हुई परिस्थितियों में उपयोग में लाता है। इससे प्रबंधन की विभिन्न शैलियों का जन्म होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं सहभागी प्रबंधन की। अब अगर हम बात करें कि प्रबंधन एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के समान इसकी भी कुछ अपनी मूलभूत विशेषताएं हैं, जैसे कि यह एक क्रमबद्ध ज्ञान है। प्रबंधन क्रमबद्ध ज्ञान है, इसके अपने सिद्धांत एवं नियम हैं जो समय समय पर विकसित हुए हैं, लेकिन ये अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गणित से भी प्रेरित होता है। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंधन की भी अपनी शब्दावली एवं अवधारणाओं का शब्दकोश है। अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण लें तो हम ये देखेंगे कि जैसे कि मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं, तो वहाँ जब विभिन्न चिकित्सक एक साथ होते हैं और वो कोई चर्चा में शामिल होते हैं तो उस समय वो अपनी एक समान शब्दावली का उपयोग करते हैं जिसको कि वो आसानी से समझ सकते हैं। चिकित्सक भी एक दूसरे से बातचीत करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कानून की, अगर हम बात करें कि जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं, जो हमारे वकील हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी जब चर्चा करते हैं तो वो अपने उनके कुछ जो वर्ड्स हैं, अपने जो शब्द हैं, वो शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्रबंधकों को भी एक दूसरे से संवाद करते समय समान शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, तभी वह अपने कार्य की स्थिति को सही रूप से समझ पाएंगे। इसके प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो परीक्षण पर आधारित हैं। प्रबंधन के सिद्धांत विभिन्न संगठनों में बार बार के परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। प्रबंध का संबंध मनुष्य एवं मानवीय व्यवहार से है, इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों की न तो सही से भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही ये प्रतिध्वनित होते हैं। इन सीमाओं के होते हुए भी प्रबंधन के विद्वान प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहे हैं। F.W. टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत एवं हेनरी फ्योल के कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत इसके उदाहरण हैं। व्यापक वैधता। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते और ना ही उनका उपयोग सार्वभौमिक होता है। इनमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है, लेकिन यह प्रबंधकों के मानक तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों की विशेषताएं लिए हुए हैं। प्रबंधन एक पेशे के रूप में भी है। संगठनों को उनके प्रबंध करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं एवं अनुभवों की आवश्यकता होती है। पेशे के समान प्रबंधन की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि भलीभांति परिभाषित ज्ञान का समूह। पूरे विश्व में प्रबंधन विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हुआ है। यह ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है जिसको भलीभांति परिभाषित सिद्धांत हैं, जो व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर आधारित हैं। इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालय एवं पेशेवर संस्थानों में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। हम जानते हैं जैसे कि विश्व में और यहाँ तक कि हमारे देश में एक से एक बेहतर प्रबंधन संस्थान है जहाँ पर व्यक्ति प्रवेश लेकर एक बेहतर प्रबंधक बन सकता है। किसी भी व्यवसायिक इकाई में किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक मनोनीत अथवा नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हमें चिकित्सक नियुक्त करना है या किसी को हमें वकील बनाना है तो उनके पास वैध डिग्री का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वैध डिग्री उनके पास नहीं होगी तो वो उस पेशे में कार्य नहीं कर सकते। जबकि किसी भी व्यक्ति को हमें प्रबंधक नियुक्त करना होता है या मनोनीत करना होता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता हो उसे ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के लिए मेडिकल की डिग्री ज़रूरी है, वकील के लिए लॉ की डिग्री ज़रूरी है, जबकि प्रबंधक बनने के लिए आपके पास कोई भी कानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है कि कोई डिग्री आपके पास हो। लेकिन यदि इस पेशे का को ज्ञान और प्रशिक्षण है तो यह उचित योग्यता मानी जाती है। नैतिक आचार संहिता। प्रबंधन का मूल उद्देश्य संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। प्रबंधन का अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य सही नहीं है तथा यह तेजी से बदल रहा है। अधिकतम लाभ कमाने के साथ साथ प्रबंधन को सेवा का उद्देश्य का भी ध्यान में रखना चाहिए।
प्रबंधन की प्रक्रिया संपूर्ण विद्यालय के कार्यों को ढांचे के आधार पर वर्गीकृत करती है तथा संपूर्ण व्यवस्थित ढांचे को सामूहिक रूप से जोड़ती है। तो हमने आज जो बात की वो बात की हमने प्रबंधन के अर्थ की, प्रबंधन की विशेषताओं की और प्रबंधन की के विषय में हमने पूरी जानकारी आज प्राप्त की। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से आप प्रबंधन के अर्थ और विशेषताओं के विषय में समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर शेष अगले उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।